देखिए बेटा, क्वेश्चन है द ट्रेन इज वर्टिकली रेल इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड एंड अ वुमन इज राइडिंग बाइसिकल विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो मान लेते हैं रेन तो इस डायरेक्शन में गिर रही है, वी आर वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो वुमन है वो ट्रेवल कर रही है अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ वुमन इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए ताकि वो बारिश से बच सके। तो इस सिचुएशन में हमें निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमन, एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमन। हमें वेलोसिटी ऑफ वुमन वेलोसिटी ऑफ रेन से सब्ट्रैक्ट करने के लिए लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करने होंगे। तो मैं यहां वेलोसिटी ऑफ वुमन के अपोजिट एक वेक्टर ले लेता हूं, दिस इज माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमन। अब पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग मैं से ये पैरेललोग्राम पूरा कर लेता हूं, तो दिस वेक्टर इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमन, और ये वर्टिकली से थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो यहां इस केस में टेन ऑफ थीटा क्या होगा, टेन ऑफ थीटा विल बी परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वुमन मैग्नीट्यूड फॉर्म में डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज 12/35। और यहां या तो हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं दैट थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 12/35, और अदरवाइज इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो थीटा कम्स आउट टू बी अबाउट 19 degrees। So the woman should hold her umbrella at 19 degree from the vertical so as to be protected from the rain. Next question is a car traveling at 58 kilometer per hour overtakes another car traveling at 40 kilometer per hour. Assuming each car to be 5 meter long calculate the time taken for overloading. Overtaking. सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड कार क्या है। रिलेटिव velocity of first car with respect to the second car, ये आएगी velocity of first car that is 58 kilometer per hour minus velocity of second car which is 40 kilometer per hour that is 18 kilometer per hour। और अगर मैं इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं इट इज 18 × 5/18 मीटर पर सेकंड दैट इज 5 meter per second। नाउ सिंस ईच कार इज 5 meter लॉन्ग, क्योंकि हर कार 5 meter लॉन्ग है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाइल ओवरटेकिंग इज 10 meter।
डिस्टेंस दैट हैज़ टू बी ट्रेवल्ड वाइल ओवरटेकिंग इज 10 meters. Therefore, time required is or time taken is distance upon speed. Distance is 10 meter, speed is 5 meter per second. The time comes out to be 2 seconds. Next question is from NCERT. A policeman moving on a highway with a speed of 30 km per hour fires a bullet at a thief's car. Speeding away in the same direction with a speed of 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second. Muzzle speed का मतलब होता है कि किस स्पीड से बैरल से निकलती है बुलेट. 150 meter per second. With what speed does the bullet hit the thief's car? सॉल्व करते हैं. पहले तो हम निकाल लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ थीव्स कार विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कार. वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस इज वेलोसिटी ऑफ थीफ माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस. दैट इज 192 माइनस 30 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज 162 किलोमीटर पर आवर. अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो ये आता है 45 मीटर पर सेकंड. ये है वेलोसिटी ऑफ थीव विद रिस्पेक्ट टू पुलिस. अब मजल स्पीड ऑफ बुलेट इज 150. तो हमें बताना है बुलेट थीव की कार को किस स्पीड से हिट करती है. तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव That is velocity of bullet minus velocity of thief with respect to police. क्योंकि जहां police van है वहीं से bullet throw की जा रही. यहां velocity of thief with respect to police यहां use होगा. And this will be velocity of bullet is 150 minus 45 मीटर पर सेकेंड. तो ये आता है 105 मीटर पर सेकेंड. इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका ये हो सकता है कि जैसे जो बुलेट चलाई गई है वो पुलिस वैन से चलाई गई है, तो पुलिस वैन की और बुलेट की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी.
तो हम क्या कह सकते हैं, इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी, इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी, वैन की वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर और बुलेट की वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसे 150 को 18 बाय 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाता है 540 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाती है 540 किलोमीटर पर आवर, ये 30 किलोमीटर पर आवर है। ओवरऑल वेलोसिटी दैट इज इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 570 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जिस चीज से चलाई जा रही है उसकी वेलोसिटी ऐड हो जाती है उसमें। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अब पूछा गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 570 इफेक्टिवली, 570 माइनस वेलोसिटी ऑफ थीव विच इज 192 and it comes out to be 378 किलोमीटर पर आर। इसे हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, 378 into 5 by 18, और 378 को अगर हम डिवाइड करते हैं 18 से तो इट कम्स आउट टू बी 21, दैट इज 21 into 5 मीटर पर सेकंड, दैट इज 105 मीटर पर सेकंड। तो दोनों तरीके हैं, दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है।